खेती पर निर्भर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये साल मुश्किलें लेकर आया। कुल मिलाकर भले ही मानसून के मौसम में पानी ठीक ठाक बरसा, लेकिन कहीं धूप कहीं छांव वाले हालात ने खेती का नुकसान किया है। वहीं भारत में सालाना बारिश का 75% पानी बरसात के मौसम में होता है। मोटे तौर पर खेती पर आधारित करीब 3 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए यही बारिश जीवन धारा है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चावल गेहूँ और चीनी के सबसे बड़े उत्पादक देश में इस साल 1 जून से शुरू हुए मानसून में अब तक 11% ज्यादा बारिश हुई है। पिछले 50 सालों में यहां बरसात के 4 महीने में औसतन करीब 89 सेंटीमीटर बरसात होती रही और औसतन मानसून का मतलब है इसका 96 से 104% पानी। हालांकि इस बार के मानसून में जो बारिश की असमानता रही, यही कहीं सिर्फ बूंदाबांदी तो कहीं घनघोर बारिश, उसने फसलों को लेकर चिंता बढ़ा दी। महंगाई को संभालने में जुटी सरकार के लिए भी यह स्थिति काफी जटिल है। इस बार मानसून में बारिश का विस्तार और वितरण पूरे भारत में बहुत असमान रहा। कुल मिलाकर मानसून की बारिश जून में औसतन से 8% कम रही और कुछ इलाकों में तो ये 54% तक थी। जुलाई के पहले 2 हफ्ते में तेज हुई बारिश ने इस कमी को पूरा किया, लेकिन कई राज्य में बाढ़ आ गई। एक तरफ जहां दक्षिणी पश्चिमी और देश के मध्य हिस्से में औसतन से ज्यादा बारिश हुई, वहीं उत्तरी और पूर्वी इलाके को बारिश की कमी झेलनी पड़ रही है। इस साल कपास, सोयाबीन और गन्ने की बुआई तो पिछले साल से ज्यादा हुई, लेकिन कारोबारी फसल की उपज को लेकर चिंता में है, क्योंकि जून में बरसात देर से होने के कारण बुआई में भी देरी हुई। इस बीच मौसम से ज्यादा पानी का दौर लंबा रहने के कारण कपास, सोयाबीन और गन्ने वाले इलाकों में भोजन के उत्पादन में दिक्कत पैदा हो सकती है। जून में लगभग सूखा और जुलाई में भारी बारिश ने गर्मी में बुआई जाने वाली लगभग सभी फसलों को प्रभावित किया, लेकिन चावल, कपास और सब्जियों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश चावल के बड़े उत्पादक इलाके हैं। यहाँ बारिश में कम से कम 57% तक की कमी दर्ज की गई है। इसके नतीजे में चावल की बुआई इस साल 19% गिर गई। वहीं इससे उलट तेज बारिश और बाढ़ ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कपास, सोयाबीन और दाल की फसलों पर बुरा असर डाला है। चावल भारत के लिए सबसे जरूरी फसल है, भारत इसका सबसे प्रमुख निर्यातक है। कम उपज की वजह से केंद्र सरकार चावल के निर्यात पर रोक लगा सकती है, जिससे भारत की 1.4 अरब जनता को पर्याप्त आपूर्ति मिलती रहे। इस तरह का कोई भी संक्षिप्तवादी कदम दुनिया के बाजार में इसकी कीमत बढ़ा देगा, जो पहले बता दे खाने पीने की चीज़ों की महंगाई झेल रहा है। भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल, दाल और सब्जियों की कीमत चढ़ने के आसार हैं, क्योंकि कारोबार, उद्योग और सरकारी विभागों के अधिकारी ये मान रहे हैं कि उल्टे पुल्टे मानसून की वजह से इस साल गर्मियों की उपज घटेगी। भारत ने खाने पीने की चीज़ों की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए निर्यात पर पाबंदी लगा दी है और आयात का दरवाज़ा खोल दिया है। इसके बाद भी भोजन की कीमतों में महंगाई दर 7% के आसपास है। भारत में खुदरा मूल्य की महंगाई दर में आधी हिस्सेदारी खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर की है। ये सरकार के लिए एक बड़ा सिर दर्द साबित हो सकती है, जो बढ़ती कीमतों पर लोगों के गुस्से को संभालने में जुटी है। महंगाई का ये परिदृश्य ब्याज दरों को भी बढ़ाएगा और इसके नतीजे में अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।